नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और प्रेस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के जो बीच में मैच खेला जा रहा है उसके बारे में। यहां पर आपको बताएंगे हाफ टाइम तक के मैच के हाइलाइटेड पॉइंट्स, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना कहीं पर भी स्किप किए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाली हर किसी भी मैच की या फिर किसी भी तरह की बड़ी बड़ी न्यूज सबसे पहले। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके मैच के हाइलाइटेड पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वही रणनीति के पहले बल्लेबाजी करके इतना बड़ा स्कोर तय करेंगे कि सामने वाली टीम ने बनाई। और एक और बड़ी रणनीति की डीएलएस टीम लग सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंग्लैंड में बारिश आती रहती है और इसकी वजह से अगर पहली पारी खत्म हो जाती है और उसके बाद 20 ओवर का मैच हो जाता है इंग्लैंड का भी, यानी कि जो सेकेंड इनिंग खेलती है उस टीम का, तो डीएलएस नियम है, डकवर्थ लुईस नियम लगा दिया जाता है। उसके बाद एक बड़ा स्कोर, इतना बड़ा स्कोर के सामने वाली यानी कि सेकंड इनिंग खेलने वाली टीम के लिए बनाना काफ़ी उम्मीद से भी ज़्यादा हो जाता है। और इसी वजह से इंग्लैंड में हर किसी टीम ने जिन्होंने भी टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, इसलिए ही तो उनकी ज़्यादातर जीत हुई है, क्योंकि डीएलएस नियम लग जाता है या फिर बारिश आने की वजह से पिच गीला हो जाता है और उसकी वजह से जो बैट्समैन के फेवरेबल कंडीशन है नहीं रहती है, बॉलर काफ़ी अच्छी तरह से स्पिन करा पाता और विकेट ले पाता है। अब ये बात रह गई पुरानी, अब बात कर लेते हैं आज की नई। तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और मात्र 241 रन बनाकर ही वापस लौट गई, 8 विकेट गए 50 ओवर के अंदर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग की और उसके बाद बात करेंगे हम इंग्लैंड की बॉलिंग की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल आते हैं, 19 रन बनाते हैं, मात्र 18 गेंदे खेलकर वापस लौट जाते हैं। हेनरी निकोलस भी कुछ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो लेकिन अच्छी पारी खेलते हैं ये जरूर है, धीमे धीमे अपनी पारी को बढ़ाते हैं, 55 रन बनाते हैं 77 गेंदों का सामना करते हुए। कप्तान केन विलियमसन 53 गेंद खेलकर 30 रन नहीं बना पाते हैं, वहीं आर टेलर 15 रन बनाते हैं 31 गेंदों का सामना करते हुए। टॉम लाथम काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, इनकी जो स्ट्राइक रेट होती है वो भी काफ़ी करीबन रहती है 100 के यहाँ 83 के आसपास के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 56 गेंदे खेलकर 47 रन बना पाते हैं। वहीं जेम्स निशाम 25 गेंद खेलकर 19 रन बनाते हैं। कॉलिन डी ग्रैहम जो जिन्हें काफ़ी अच्छी बैट्समैन के जो कि काफ़ी तेज़ गेंदबाजी के लिए माना जाता है, वो कारण तेज़ गेंदबाजी और तेज़ बैटिंग के लिए माना जाता है, तेज़ बैटिंग आज कर नहीं पाए, 28 गेंदे खेलकर 16 रन ही बना पाए। वहीं सेंट नर 9 गेंदे खेलकर 5 रन, हेनरी मार्ट हेनरी है जो 2 गेंदे खेलकर 4 रन, वहीं ट्रेंट बॉल्ट 2 गेंदे खेलकर 1 रन बनाकर नोट आउट नजर आते हैं। बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की। तो न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ कहे जाने वाले बॉलर क्रिस वॉक्स 9 ओवर फेंकते हैं, मात्र 37 रन देकर 3 विकेट लेते हैं। चोपड़ा आर्थर को आज 1 विकेट ही हाथ लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग जरूर करते हैं, उनकी जो औसत जो रन देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं जो कि उन्होंने इकोनॉमी रेट से दिए हैं। प्लंकेट जो कि लियाम प्लंकेट है 10 ओवर फेंक कर 42 रन पर ही 3 विकेट चटकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। मार्क वुड 10 ओवर में 49 रन देते हैं और 1 विकेट भी लेते हैं। वहीं आदिल रशीद 8 ओवर में 39 रन देकर कोई विकेट हाथ नहीं लगता है। बेन स्टोक्स को भी कोई विकेट हाथ नहीं लगता, 3 ओवर में 20 रन देते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर बात यही है कि इकोनॉमी रेट के अंदर 6 से ऊपर बैन स्टॉक्स की है, बैन स्टॉक्स भी अगर ज़्यादा ओवर फेंकते तो यह हो सकता था कि उनकी भी इकोनॉमी रेट 4 या 5 के करीबन रहती या फिर 6 से नीचे रहती है कह सकते हैं। तो इस प्रकार के हाफ टाइम तक की मैच की हाइलाइटेड पॉइंट्स थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर भारत नहीं पहुँची है तो अभी कुछ नहीं, आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो जय हिंद जय भारत ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि सेमीफाइनल तो हमारी टीम पहुंची ही थी, उसके बाद इतना ही लिखा हुआ था और हमारे खिलाड़ी जो कि प्रदर्शन कर 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 थक गए थे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए। धन्यवाद।